नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए हैं और इस लिस्ट के आ जाने के बाद इस चुनाव में ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकेली ऐसी पार्टी होगी जो सबसे ज़्यादा सीटों पर मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस लिस्ट के साथ अब तक 121 उम्मीदवारों के नाम जाहिर कर दिए हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 155 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 150 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस लिस्ट में किस किस को जगह दी गई है और इस लिस्ट में जिन लोगों को जगह दी गई है उसका कारण क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल सबसे बड़ा कारण इस लिस्ट में ये दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने जो इस वक्त के बैठे हुए जो कैंडिडेट हैं उन्हें ही मैदान में उतारा है, यानी कि किसी भी तरह की कोई बगावत ना हो उसे रोकने का काम इस लिस्ट में हमें देखने मिल सकता है। क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसमें महज एक ही नाम ऐसा है जो नया है। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो लगभग 50 जो कैंडिडेट्स हैं उनके टिकट काट सकती है। और इस लिस्ट के अनुसार जो धुले ग्रामीण की सीट है वहां से राम भदाने को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। मलकापुर से चैनसुख संचेती को मैदान में उतारा गया है। अकोट से प्रकाश भरसकाले को टिकट दी गई है। वाशिम से जो कि एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है वहां से उतारा गया है श्याम खोड़े जी को। और अकोला वेस्ट से विजय अग्रवाल को टिकट दी गई है। मेलघाट जो कि एसटी के लिए रिजर्व है यहां पर केवल राम काले को टिकट दी गई है। इसके अलावा गढ़चिरौली जो कि नक्सलाइट प्रभावित इलाका है यहां से मिलिंद नरोते को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। राजूरा से देवरा भगोले को टिकट दी गई है। ब्रह्मपुरी से कृष्ण लाल सहारे मैदान में होंगे। इसके अलावा वरोरा से करण संजय देवताले को टिकट दी गई है। नासिक सेंट्रल जो ये सीट है यहाँ पर नया कैंडिडेट दिया गया है और यहाँ से देवयानी परांडे को टिकट दी गई है। विक्रमगढ़ जो कि एसटी के लिए रिजर्व है यहाँ से हरिश्चंद्र भोयो को एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। उल्लासनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सिटिंग MLA हैं कुमार एलानी इन्हें एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है, उन्हें टिकट दी गई है। पेन से रविंद्र पाटिल मैदान में होंगे। खड़कवासला से भीमराव तपकीर को टिकट दी गई है। पुणे कैंटमेंट से जो कि एससी के लिए रिजर्व है सुनील कामले को टिकट दी गई है। कस्बापेट से हेमंत रसाने को मैदान में उतारा गया है। लातूर रूरल से रमेश कराट मैदान में होंगे। सोलापुर सिटी से सेंट्रल का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से देवेंद्र खोटे को मैदान में उतारा गया है। पंडरपुर से समाधान अतुदे को मैदान में उतारा गया है। शिराला से सत्यजीत देशमुख मैदान में होंगे और जाट से गोपीचंद पडलकर को मैदान में उतारा गया है। आपको बता दें कि गोपीचंद पडलकर को लेकर भी काफ़ी नाराजगी थी लेकिन उन्हें एक बार फिर से टिकट दी गई है बीजेपी की तरफ से। तो ये 22 कैंडिडेट जो है उनका नाम जो है जाहिर कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी के कुल 121 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम सामने आ चुके हैं। अब देखने ज़रूरी है कि जो अलायंस पार्टनर हैं इस महायुति के उसमें से बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो कितने और कैंडिडेट्स उतारते हैं। इस अलायंस की अगर बात करें तो अब तक अजीत पवार ने दूसरी लिस्ट जारी की है लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से दूसरी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो एकनाथ शिंदे जिन्होंने इसके पहले अपने 45 कैंडिडेट्स के नाम जाहिर किए थे अब वो कितने और कैंडिडेट्स को उतारते हैं ये देखना ज़रूरी है। और किस तरह का ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा महायुति में ये भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।